गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डू 90 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालेंगे। सेम मेथड होगा बेटा, यहाँ देखो 90 दिया हुआ है ना, तो 0 मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, 0 है ना, तो हम 2 यहाँ लिखेंगे। अब ये क्या करना, आप लोग रफ में करना, 2 के टेबल में देखो, 2 के टेबल में हमारा 90 आता है, कितने टाइम में आ रहा है देखो, हाउ मेनी टाइम्स, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो 2 4 जा 8, 9 में से 8 गए तो 1, ये 0 एज इट इज़, तो 2 5 जा 10, तो व्हाट इज़ द आंसर, 45, तो वी राइट हियर 45, ओके। अब नाउ व्हाट इज़ द आवर आंसर, 45। अब देखो यहाँ केयरफुली समझना, अब हमारा ये जो है यहाँ वंस क्या है, 5, क्या 2 के टेबल में ये 5 आता है क्या, नहीं, देखो यहाँ 5 है क्या, नहीं, तो हम यहाँ 2 नहीं लेंगे, अगर 2 लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में पूरा डिवाइड नहीं जाएगा, तो वी राइट हियर। अब देखो सेकंड, 2 के बाद में किसकी टेबल आती है, 3 का डिविजिबल क्या रूल्स था, याद आया आपको, हम लोग प्लस करके देखते थे 3 के डिविजिबल में, 3 का डिविजिबल जो इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी तो उसमें हम क्या करते थे, प्लस करते थे, तो 4 और 5 को प्लस करो, 4 और 5 कितना होता है, 9, क्या 3 के टेबल में 9 आता है, हाँ, 3 3 जा 9, यानी ये 3 से डिविजिबल है, तो वी राइट हियर 3, वी राइट हियर 3। अब 3 से 45 का डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 4 में से 3 गए तो पीछे क्या बचेगा, 1। नाउ नेक्स्ट इज, ये 5 एज इट इज उतर जाएगा, 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 जा 15, ओके, तो वी राइट हियर 15। अब अगेन देखो 3 के टेबल में 15 आता है, और 5 और 1 6 हो जाता है, अगर प्लस करेंगे तो क्या 6 आता है ना 3 के टेबल में, और ऐसे भी अगर हम टेबल बोलेंगे तो आता है, तो 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, एंड 3 5 जा 15, ओके। अब देखो, अब हमारा यहाँ पे 5 आ गया, अब देखो 2 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 3 के टेबल में भी 5 नहीं आता, 4 के टेबल में भी 5 नहीं आता, सिर्फ 5 की टेबल में ही 5 आता है, और 5 की टेबल में 5 कितने टाइम में आता है बेटा, 1, 5 1 जा, और ये हमारा जब तक 1 नहीं आए तब तक हमें प्राइम फैक्टर हमें कंटिन्यू करना है, तो अब देखो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, 2 × 3 × 3 × 5, ये हमने लिखा 2 × 3 × 3 × 5। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, और 18 5 जा 90, तो दिस इज आवर आंसर, ये हमारा आंसर हो गया, और ये देखो सेम आ गया ऊपर और नीचे, इट्स मीन्स राइट, हमारा सही है। नाउ कंटिन्यूसली हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 252, ओके, नाउ वी डू 252, जी क्वेश्चन नंबर जी, अगेन इसके पीछे 2 है, तो वी डिवाइड 2, क्योंकि 2 देखो डिविजिबल में 2 से जाता है, तो 2 से हम करेंगे। अब मैं क्या करूँगी, इसको रफ में काटती हूँ, 252 को 2 से, तो देखो 252 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2, 5 नीचे उतारो, 2 2 जा 4, 1 2 6 जा 12, तो क्या आया बेटा 126, क्या आया, हमने 2 से इसको डिवाइड किया तो 126। अब देखो फिर इसके पीछे वंस क्या है, 6 है, और 6 होते ही मैंने क्या कहा था कि वापस ये 2 से डिविजिबल है, तो अगेन वी डिवाइड 2, तो देखो 126, जो कि 2 से डिवाइड करना है हमें, 126 को 2 से करो, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, और 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3, तो 63, हमने जब डिवाइड किया तो क्या आया हमारा 63, ठीक है। अब देखो इसके पीछे क्या आ गया, वंस क्या है, 3, क्या 2 से डिवाइड होगा, नो, क्योंकि 3 इज नॉट हियर, ओके, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, 2 नहीं लेंगे, क्योंकि अब 2 से डिविजिबल नहीं है ये, अब इन दोनों को प्लस करो, 6 और 3 कितने होते हैं, 9, क्या 9 आता है 3 के टेबल में, यस, तो हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा एक थोड़ा सा देखो डिवाइड करके हम शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको, देखो ये 3 के टेबल में थोड़ा सा समझ लेना आप लोग, शॉर्टकट है, 3 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा
सिक्स, तो टू लिख लिया। थ्री के टेबल में थ्री कितने टाइम में आता, वन। समझ में आई, मैंने डिवाइड नहीं किया, शॉर्टकट बताया आपको। थ्री टू जा सिक्स, थ्री वन जा थ्री। अगेन देखो टू और वन थ्री हो गया, यानी थ्री के टेबल में थ्री आता है, थ्री के टेबल में ट्वेंटी वन भी आता है। आपको पता है थ्री के टेबल में ट्वेंटी वन कितने टाइम आता है, थ्री वन जा थ्री, थ्री टू जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, थ्री फोर जा ट्वेल्व, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री सिक्स जा एटीन, थ्री सेवन जा ट्वेंटी वन, सेवन टाइम है। अब देखो सेवन, अब थ्री के टेबल में सेवन नहीं आता, फोर के टेबल में सेवन नहीं आता, फाइव की टेबल में सेवन नो, सिक्स की टेबल में सेवन नो, एंड सेवन की टेबल में ही सेवन आता है। हाउ मेनी टाइम्स, ओनली वन टाइम। ओके नाउ वी डू अगेन, यहाँ पे कर लो, क्या क्या आया हमारा, टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू सेवन। तो देखो क्या आया, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व वन जा ट्वेल्व, ट्वेल्व टू जा ट्वेंटी फोर, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स। थर्टी सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, थर्टी सिक्स सेवन, सेवन सिक्स जा फोर्टी टू, सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन में फोर करोगे तो फिफ्टी टू आ गया हमारा इक्वल, तो थ्री फिफ्टी टू। ओके नाउ ये साइड और ये साइड इक्वल आ गया, दिस इज अवर आंसर। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओके okay?